वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास टेंथ का पोयम नंबर 4, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ ऐसे लगाएंगे। इसको लिखा है कैरोलिन वेल्स ने, ठीक है। तो कैरोलिन वेल्स जो हैं वो ज़्यादातर हंसाने वाली कविता लिखती हैं, यानी ह्यूमरस पोयम को लिखती हैं। इस कविता में वो प्रकृति के जंगली जानवरों को पहचानने की कुछ विशिष्ट बातों का सुझाव देती हैं। वो बता रही है कि कुछ जानवरों को हम कैसे पहचान सकते हैं। वह एशियन शेर तथा बाघ, बंगाल के बाघ को पहचानने की बात करती हैं। फिर वह चीते और भालू के विषय में बताती हैं। कवि कहती हैं कि लकड़बग्घा हंसते चेहरे के साथ आता है, जबकि मगरमच्छ आंसुओं यानी दुख प्रकट करते हुए आता है। वह गिरगिट और छिपकली का अंतर भी बताने की कोशिश करती है। एक प्रकार से वह अत्यंत ही हंसी के मन से अलग अलग जानवरों के विषय में अपना कुछ ज्ञान बांटना चाहती हैं। यह कविता दर्शाती है कि कवि जंगल तथा जंगल में रहने वाले अन्य जानवरों से प्यार करती है। तो कैरोलिन वेल्स जो है जंगलों में रहने वाले इन जंतुओं से प्यार करती हैं। उनको लोगों को नॉलेज बढ़ाने के लिए, ज्ञान देने के लिए वो उनकी कुछ पहचान को भी बताती हैं, ठीक है। तो जैसे वो पहली पैराग्राफ में कहती हैं शेर और बाघ के बारे में, अगर तुम्हें पूर्व के जंगलों में जाना पड़े और उन्हें अपनी ओर एक भारी और तुम्हें अपनी ओर एक भारी और भूरे रंग का जानवर दहाड़ता हुआ दिखाई दे तो यह एशियन शेर है। फिर वह एक विनम्र प्रकार का जंगली जानवर के विषय में भी बताती हैं, वह है बंगाल का बाघ। इसके शरीर पर काली धारियां हैं। एक अच्छा जानवर होने के कारण यह आपका स्वागत कर सकता है। अतः उनके स्वभावों द्वारा हम विशिष्ट जंगली जानवरों की पहचान कर सकते हैं। फिर वह चीते और भालू के बारे में बताती हैं कि चीते की खाल पर निशान होते हैं, धब्बे होते हैं। ये जंगल में घूमता रहता है। इसका स्वभाव दूसरों पर हमला करने का है, अतः हमें इसे चीता ही समझना चाहिए। ये हमारे ऊपर छलांग लगा सकता है। अगर हम आंगन में घूम रहे हैं, हमारी मुलाकात एक भालू से हो सकती है। यह हमें चिपट कर प्यार करने लगेगा। यह हमें प्यार की छवि देगा। इस जंगली पशु का अंतर समझने में एक नया आदमी असमंजस में पड़ सकता है कि वो भालू है। फिर वो मगरमच्छ और लकड़बग्घे के बारे में बताती हैं। वो कहती है कि मगरमच्छ जो होता है वो उदासी प्रकट करता है, क्योंकि अपने शिकार पर तुरंत ही हमला कर देता है। और दूसरा जानवर लकड़बग्घा है, एक प्रसन्नचित्त स्वभाव वाला। यह आदमी को अपनी ओर मोहने की कोशिश करता है, परंतु शीघ्र ही धोखे में डालकर हमला कर देता है। तो वो लकड़बग्घा है। फिर वो गिरगिट और छिपकली के बारे में बताती हैं। कभी बताती हैं कि गिरगिट के ना तो कान होते हैं ना ही पर यानी पंख। यह एक छिपकली की भांति दिखती है। यह एक छोटे प्रकार का जानवर है। यह हम सदैव इसे जंगल में पेड़ पर देख सकते हैं। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के जानवरों में अंतर जान सकते हैं, उनके घूमने, गतिविधि करने, उनकी आदतें, जंगल में निवास करने से संबंधित जानकारियाँ। इनके आधार पर हम उन्हें पहचान सकते हैं। तो ये पहचानने के ऊपर कहानी है। तो इसकी समरी पढ़ लेते हैं। दिस ह्यूमरस पोयम, ये जो हास्यप्रद कविता है, सजेस्ट यानी ये हमें सिखाती है, समझाती है, सलाह देती है कि सम डेंजरस वे, कुछ खतरनाक तरीकों को बताती है टू आइडेंटिफाई या टेल वाइल्ड एनिमल, मतलब जंगली जानवरों को पहचानने का बहुत ही खतरनाक तरीके से उनकी पहचान बताती हैं कि कितने खतरनाक तरीके से हम उनको पहचान सकते हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द वाइल्ड एनिमल्स नोन टू बी डेंजरस टू मैन इन ए फनी वे एंड डज दिस वाइल अपरेंटली एडवाइजिंग एज टू हाउ इट कैन बी आइडेंटिफाई। तो कवि जो है सभी जंगली जानवरों के करेक्टरिस्टिक्स माने गुणों के बारे में बताते हैं। वो जानते हैं कि वो मतलब इंसानों को ना मतलब फनी तरीके से उन खतरनाक जानवरों की पहचान को बताती हैं।
वो हमें साथ साथ सलाह देती हैं कि कैसे इन जंगली जानवरों को हम पहचान सकते हैं। द पोएट आल्सो यूज सम कॉमन इंग्लिश फ्रेजिज लाइक क्रोकोडाइल टीयर्स, लाफिंग हेना, बियर हग्स एक्सेट्रा एंड इनकॉर्पोरेट्स देम इन द इंट्रोडक्शन टू द एनिमल। जानवरों का परिचय कराने के लिए कवि बहुत सारे कॉमन इंग्लिश के वाक्यांशों का प्रयोग करती है, फ्रेजिज का, जैसे मगरमच्छ के आंसू, मतलब मगरमच्छ रोता हुआ दिखेगा, लाफिंग हेना, लकड़बग्गा हंसते हुए दिखेगा, बियर हग्स और भालू जो है वो गले लगाते हुए दिखेगा, एंड इनकॉर्पोरेट्स देम इन द इंट्रोडक्शन टू, इन सब के माध्यम से वो सभी जानवरों की पहचान बताती हैं। ठीक है, तो इस पोएम में इतना ही था, कुछ वर्ड मीनिंग जैसे इम्पोर्टेंट है इसमें, जैसे आपको कुछ वर्ड मीनिंग जैसे याद करना है, जैसे आपको पहला पढ़ना है discern, discern, discern माने होता है समझना, strolling forth होता है आगे बढ़ना, view माने देखना, hide माने जानवर की खाल, spots माने चिन्ह या धब्बे, left माने छलांग लगाना, L-E-P-T, left माने छलांग लगाना, leopard माने चीता, leap and leap माने हमला करना, leap and leap माने हमला करना, क्रिएचर माने जानवर, हग्स माने प्यार से गले लगाना, बियर माने भालू, डाउट्स माने शक, कियरेस, कियरेस माने होता है प्यार से छूना, डिस्टिंग्विश माने अंतर करना, नोविस माने नौसिखिया, नॉन प्लस होता है हैरान या घबराना, नॉन प्लस माने हैरान होना या घबराना, शिमेलियन होता है गिरगिट की भांति का एक जानवर, लियन, इसको कह सकते हैं ए किंग ऑफ लॉन्ग लिजर्ड, आइडेंटिफाई माने पहचानना। बस इतना आपका मेन मेन वर्ड मीनिंग था, उम्मीद करते हैं कि आपको समरी समझ में आ गया होगा इस चैप्टर का।